Listen, you had me worried a little bit over there. All those things you're trying to teach me about the car in the middle of Jaipur traffic. क्यों यार? यार जब गाड़ी चल रही होती थी traffic में तो सिखाते नहीं अपने दोस्त को, सड़क में आगे रखते हैं। हाँ यार point तो सही है, safety बहुत जरूरी है। इसके features बड़े exciting हैं यार। अच्छा चल तो मेरे को पहला feature बता जो exciting है। आपकी जो Mercedes-Benz GLC है ना, इसमें बहुत सारे interesting features हैं। अब पहला वाला बताना time number one helping hand cruise control। आप इस बटन से सेट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी एक स्टेडी स्पीड पे चलेगी। उसके बाद आपने सिर्फ दो काम करने, आपको ब्रेक लगाना है जब जरूरी है और आप स्टीयरिंग जो है वो करेंगे। तो मतलब ये हाईवे पे जब लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं, हाँ, दिस इज अ रियली गुड फीचर फॉर देन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर टू, इसमें एक लिमिटर है। एक बटन से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि विद इन सिटी अगर स्पीड लिमिट है उस स्पीड से ज्यादा आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। जैसे ये अभी 40, अब जो है आपकी गाड़ी 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये आपको बताता है कि ये जो है आप कौन से मोड में, तो मतलब रफ ऑफ रोडिंग है तो स्पोर्ट पे डाल दी, स्पोर्ट प्लस पे डाल दी, अगर सिटी में कंफर्ट पे जा रहा है तो कंफर्ट पे डाल दी। बिल्कुल, तो ये प्री सेटिंग है। आई प्रेफर कंफर्ट, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा है, हाँ, ज्यादा कंफर्टेबल बनाओ। एक लास्ट चीज, हाँ, बोल। आपकी मर्सिडीज बेंज जीएलसी में हार्ड डिस्क नेविगेशन है। तो जैसे कि आप जयपुर में हैं तो आप बता सकते हैं कि जयपुर में आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, अगर आपको तो आप एंटर कर सकते हैं एड्रेस। फ्यूल अगर आपका कम है आप इसको पूछ सकते हो कि सबसे पास पेट्रोल पंप कहाँ है, वो आपको ये कर देगी। तो हर स्टेप पे इन्होंने बहुत सोच लगाई है और आपके पास हेल्पिंग हैंड। That's excellent. Yes? I'm already very impressed. हाँ. लेकिन ये इंटरव्यू जो है ना वो हमको अपने आप करना पड़ेगा। हाँ. तो जल्दी से अंदर चल। हाँ. I have a very important person I'd like you to meet. हाँ. Life में ups and downs तो होते ही है। At some stage हम सबको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। जी हाँ, जिंदगी आपको चैलेंजेस बहुत देती है, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ थोड़ी मदद करने के लिए सॉल्यूशंस भी देती है। और आज हम आपको बताने लाए एक ऐसी ही सॉल्यूशन से जिन्होंने कई गर्ल चिल्ड्रन को इंडिया में जिनकी बहुत मदद करी है, और वो हैं मेजर डॉक्टर मीता सिंह। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन दूं तो काफी टाइम लग जाएगा और आई वोंट बी स्मूथ, तो मेरा काम आसान कीजिए प्लीज। टेल अस व्हाट ऑल यू डू मेजर साहब, मेजर मैडम। मेरा नाम मेजर डॉक्टर मीता सिंह है और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं एक चिकित्सक भी हूँ, पेशे से एक डॉक्टर हूँ, और मैंने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS किया। उसके बाद फौज में अपनी सेवाएं दी देश को, और उसके बाद मैंने MD किया माइक्रोबायोलॉजी में, और फिर मैं विदेश गई लंदन में। मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल पर काम किया, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। 1998 की बात है ये, जब हमारे देश में बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स बने थे। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो औरतें कचरा बीनती हैं उनके साथ काम कर रही थी जी। और उनमें हेपेटाइटिस बी और ट्यूबरकुलोसिस का क्या इंसिडेंस है और किस तरह की जोखिम वो झेलती हैं उस पर मैंने काम किया, और That was the turning point in my life. तो exactly, अब आप ladies के साथ, लड़कियों के साथ all over Rajasthan, all over India इतना काम करते, तो interest वहाँ से शुरू हुआ? ये 2000 की बात है। सन 2000 में जब census की findings आई तब ये दिखाई दिया कि 0 to 6 के आयु वर्ग में बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई है एकदम से। There was a sharp fall and this was a cause of major concern. और उसके बाद फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। मैं क्योंकि महिलाओं के साथ काम कर रही थी, मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, क्लिनिक्स में हैं, हुआ ब्रिलियंट, लेकिन कम्युनिटी में काम करने वाले डॉक्टर्स बहुत कम हैं। सो दैट इज व्हाट ब्रॉट मी टू द कम्युनिटी। द मेजर कंसर्न व्हाट ब्रॉट द मेजर टू दिस कंसर्न। एब्सोल्युटली। तो लोग बोलते हैं नाउ आई एम वर्किंग विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, आप हमें जरा समझाइए। देखिए, अपलिफ्टमेंट तो एक लाइफ साइकिल है, ये पूरा जीवन चक्र है, जहां पर कि कन्या भ्रूण हत्या होती है हमारे देश में, लिंग जांच होती है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्राइम है। हाँ, इट्स अ क्राइम, बिल्कुल अपराध है, तो उसको तो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइफ साइकिल, फ्रॉम व्हाइल द फीमेल फीटस इज एलिमिनेटेड टू education, to health seeking behavior of the family, to early marriage, forced marriages, to childbirth issues, to elderly women facing सारी जिंदगी।
तो ये पूरा चक्र है, इट्स ऑल लिंक टू द स्टार. तो हमने वहाँ पर काम करना शुरू किया और उस समय सन 2000 में बिल्कुल डिनायल था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये परेशानी ही है. तो जब यहाँ पे काम करना शुरू किया और जब हम समस्या से रूबरू हुए और लोगों को उससे रूबरू कराया और फिर बाल मंडल बने, युवा मंडल बने, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स जिनको हम CBR ग्रुप्स कहते हैं वो हमने 10-12 लोगों के बनाए. उन लोगों के जो ओपिनियन मेकर्स थे तो उसमें सरपंच भी थे या वैद्य जी थे या पंडित जी थे या मौलवी साहब थे, मतलब जो लोग जिनकी बात सुनी जाती है. और फिर उनको जब ये बात समझ में आई देन इट वेंट टू द लास्ट पीपल इन द कम्युनिटी और तब फिर एक बदलाव की का वातावरण बना. बदलाव शुरू नहीं हुआ, सिर्फ वातावरण. अभी भी बदलाव शुरू नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है. ये मैं 2004 की बात बता रही हूं. मतलब 18 साल में व्हाट आर यू प्राउड ऑफ हैविंग अचीव्ड, मतलब आपकी जो जर्नी आपको कहां लाई है? मुझे बहुत खुशी है कि हमने कन्या लोढ़ी का प्रोग्राम शुरू किया जो कि एजुकेशन से जुड़ गया. गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो शोड एन इम्प्रूवमेंट इन 2011. तो वो एक हमारे लिए बहुत Lovely. मतलब हमको एक तरह से बहुत हिम्मत मिली, बहुत संबल मिला कि हम शायद सही रास्ते पे हैं. बस इसमें आप एक चीज बताना भूल गए हमको, अपने बारे में कुछ नहीं बताया आपने. देखिए मैं ये तो आपने सारा सोसाइटी को दे दिया काम. देखिए पर आप थकते नहीं है? मैं बिल्कुल छोटी सी कैटलिस्ट हूँ, लेकिन जो मेरी भूमिका रही है वो ये है कि मैं लोगों से जुड़ी रही और बराबर निरंतर उनके साथ जो बातचीत रही, जो उनको संबल देने की बात रही, जो हौसला अफजाई की, मुझे लगता है शायद उसने अपनी एक बिल्कुल तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने लिटरली मतलब एज द ओकेजन रिक्वायर्स आप डायनामिक सेलेक्ट कर रहे हैं. आपकी बातें बहुत लड़कियां सुन रही हैं वहां पर, यंग गर्ल्स, तो उन्हें बताइए अगर इंस्पायर होके आपकी मदद करने के लिए, आपसे मिलने के लिए या कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर उन्हें आना हो तो कैसे, हाउ कैन दे कांटेक्ट? मुझे बहुत खुशी होगी. और हम ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो कि दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके. और प्रेरणा तब मिलती है जब आप खुद स्वयं लोगों से जुड़ते हैं और उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं. तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि हमसे जुड़े. डिग्निटी ऑफ गर्ल चाइल्ड फाउंडेशन है हमारा और मेरा डॉक्टर नीता सिंह, और आप मुझसे जुड़िए और मैं जहाँ पर आप होंगे वहाँ पर मैं आपको सुझाव दूंगी कि किस तरह से आप बेटियों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं. और सिर्फ बेटियों की नहीं, पूरे समाज में बदलाव ला सकते हैं. वी आर ट्राइंग टू वर्क विद मेन एंड बॉयज बिकॉज उनका जब मानसिकता का बदलाव होगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा. लड़कियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी. रात के 12 बजे जब लड़कियाँ सड़क पे बेधड़क होके घूम सकती हैं, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं. तो ये जो बात हम कर रहे हैं अभी मेजर मैडम से, मेरे को तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं भरा. मैं तो अभी शुरुआत में हूँ, थोड़ा सा जज्बाती भी हो रहा हूँ मैं आपकी बातें सुन के. लेकिन अगर इनसे थोड़ी सी भी प्रेरणा लेके समाज में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए तो हमारा देश कितनी तरक्की करता है आप सोच भी नहीं सकते. क्योंकि अभी तक तो आपने हमारी जो तरक्की हुई है वो एक फ्यूडल सोसाइटी, मेन्स हैवी सोसाइटी, उस तौर तरीके से हुई. लेकिन औरतें जो हैं जो आज की डेट में इतनी पावरफुल हैं, जो इतना कुछ कर सकती हैं, कदम से कदम मिलाकर कई जगहों पर आगे बढ़ सकती हैं, उनको अगर बराबरी का मौका दिया जाए, और सिर्फ मौके की बात कर रहा हूँ, तो ये देश बिल्कुल बदल सकता है बहुत जल्दी.